आदरणीय मित्र, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में एक बात हजम नहीं हो रही कि कर्नाटक के गरीब दलित परिवार से उठे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी 60 साल के राजनीतिक तजर्बे को लिए, प्रशासनिक तजर्बे को लिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी 9 बार लगातार लोगों के द्वारा चुने गए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक ब्लॉक प्रेसिडेंट से उठकर, कर्नाटक के दलित परिवार से उठकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए, उनके पेट में इस बात का दर्द है। क्योंकि भाजपा कभी किसी दलित को, किसी शेड्यूल ट्राइब को अपना अध्यक्ष नहीं बनाएगी, सच्चाई ये है। और इसीलिए जो सैद्धांतिक लड़ाई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ब्रांड कर्नाटका के लिए हम लड़ रहे हैं, वो उस लड़ाई को व्यक्तिगत बनाकर कमजोर करना चाहते हैं। आदरणीय खड़गे साहब ने बार बार कहा है, मैं फिर दोहराता हूं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, खड़गे साहब की लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा के दुराग्रह से है, भाजपा के वैमनस्य से है, भाजपा के पूर्वाग्रह से है, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ भाजपा का है। नरेंद्र मोदी जी, ये लड़ाई हमने अंग्रेज से भी लड़ी और ये लड़ाई हम भाजपा से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत का वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, वो संविधान जिसके ध्वज वाहक आज गरीबों और दलितों के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सरीखे नेता हैं, उस संविधान की रक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करना, सामाजिक न्याय की रक्षा करना, भाजपा के वैमनस्य, दुश्मनी, नफरत से इस देश के हर व्यक्ति को बचाना, खास तौर से दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित को, ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। कर्नाटक का चुनाव मोदी जी के बारे में नहीं है, वो गलत फहमी ना पालें। कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक के 6.5 करोड़ कन्नड़िगा भाई बहनों के बारे में है। 40% भ्रष्ट भाजपा सरकार से की अकाउंटेबिलिटी मांगने का ये चुनाव है। 50,000 कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चिट्ठी का जवाब मांगने का ये चुनाव है। 40,000 प्राइवेट स्कूल जो जिनसे कमीशन मांगा जा रहा है, उनकी चिट्ठी का जवाब और जवाबदेही सुनिश्चित करने का ये चुनाव है। ये चुनाव व्यक्तिगत नहीं है, ये चुनाव सैद्धांतिक है। हमें कर्नाटक को आगे बढ़ाना है, इसीलिए भाजपाइयों के दर्द में कांग्रेस गारंटियों को लेकर उनके पेट में दर्द हो रहा है। पर मैं फिर दोहराता हूं, कांग्रेस की अगली सरकार, पहली कैबिनेट की पहली बैठक के पहले फैसले में कांग्रेस की चारों गारंटी लागू करेगी। गृह लक्ष्मी से ₹2,000 हर महीना हर महिला को दिया जाएगा। गृह ज्योति से 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त दी जाएगी। अन्न भाग्य से 10 किलो अनाज जो है वो हर बीपीएल फैमिली के हर मेंबर को हर महीने दिया जाएगा। और युवा निधि के माध्यम से ₹3,000 दिया जाएगा हर नौजवान को 2 साल के लिए, जो ग्रेजुएट है, और डिप्लोमा होल्डर जो है वो उसे ₹1,500। खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी का, सोनिया गांधी जी का केवल ये लक्ष्य है। हम लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, विचार और सिद्धांत की लड़ते हैं।